आज का हमारा दूसरा टॉपिक है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। जैसा कि टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि स्लिपरी स्लोप से मुराद कि एक ऐसी स्लाइड जिस पे चीज़ बहती चली जाए और दूर चली जाए। तो इसमें भी हम इस तरह के आर्गुमेंट्स कर देते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव आउटकम की तरफ चले जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव और फ्यूचर आउटकम की तरफ चले जाएँ तो उसको हम स्लिपरी स्लोप फैलेसी कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी एक ऐसा आर्गुमेंट होता है जो क्लेम करता है कि कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन सीरीज ऑफ इवेंट्स को लीड करता है कि अगर आप ये एक्शन करेंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा और आपके साथ अनडिजायरेबल आउटकम्स हो सकते हैं या एक्सट्रीम आउटकम्स आपके साथ पेश आ सकते हैं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी में आप ये पेशन गोई कर लेते हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है उसकी वजह से और ज़्यादा बहुत सारे फ्यूचर में इवेंट हो सकते हैं और ये बात आप बगैर किसी एविडेंस के कर देते हैं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी उस वक्त होती है जब कोई पर्सन ये कह देता है कि अगर आप ये चीज़ या ये काम करेंगे, इस तरह का एक्शन करेंगे या इस तरह का आर्गुमेंट देंगे तो इसकी वजह से आपके साथ छोटे छोटे नेगेटिव या ड्रास्टिक आउटकम पेश आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ जब होगी तो उसको हम कहेंगे स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंट। स्लिपरी स्लोप फैलेसी एक लॉजिकल फैलेसी है या इसको हम रीजनिंग एरर भी कहते हैं। इसको आमतौर पर हम इनफॉर्मल फैलेसी भी कहते हैं। अगर हम कंटेंट में गलती करेंगे तो वो हमारी इनफॉर्मल फैलेसी हो जाएगी और अगर हमारा फॉर्मेट चेंज होगा या गलत होगा तो उसको हम फॉर्मल फैलेसी के ज़ुमरे में लेकर आएंगे। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ आई डोंट पास टुमारोज एग्ज़ाम आई विल नॉट गेट द GPA आई नीड टू गो टू अ गुड कॉलेज एंड देन आई वॉन्ट बी एबल टू फाइंड अ जॉब एंड अर्न अ लिविंग। इफ़ आई डोंट पास द एग्ज़ाम माई लाइफ इज़ रुइंड। अब इसमें एक स्टूडेंट कह रहा है कि अगर मैंने कल का इम्तिहान पास ना किया तो मेरी CGPA या GPA कम आएगी जिसकी वजह से मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकूंगा और उसकी वजह से मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी और मेरा रहन सहन बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा और अगर मैंने एग्ज़ाम पास ना किया तो मेरी सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ये फैलेसी स्लिपरी स्लोप फैलेसी की एग्जांपल है क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया है कि अगर मैंने इम्तिहान पास ना किया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो वो एक एक्सट्रीम कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और नेगेटिव आउटकम की तरफ जा रहा है। तो लाजमी नहीं है कि वो जिस नेगेटिव आउटकम्स की तरफ जा रहा है वो उसके साथ हों, हो सकता है कि वो आगे कुछ बेहतर कर सके। तो इस तरह के जब वो आर्गुमेंट या इवेंट्स को एंटिसिपेट करेगा तो वो स्लिपरी स्लोप फैलेसी के में आएगा। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू डोंट बाय दिस टूथपेस्ट यू विल गेट कैविटीज एंड लूज ऑल योर टीथ एंड विल नॉट बी एबल टू च्यू फूड। अगर आप ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कैविटीज हो जाएंगी जो आपके टीथ को तबाह कर देंगी और आप खुराक को चबा नहीं सकेंगे। वो टूथपेस्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो एडवर्टाइज करते हुए आपको आने वाले नेगेटिव आउटकम्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप हमारा पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये खदशात लाहक हो सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर आप उनका टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इस तरह हो, क्योंकि मार्केट में और भी टूथपेस्ट हैं और ऐसे भी टूथपेस्ट होंगे जिनको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसमें आप इरेशनल प्रोपोजिशन की तरफ जा रहे होते हैं और आप दूसरे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे होते हैं जो कि आपकी डेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। आप दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी डेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और इस चीज में जो एडवर्टाइजर है वो लॉजिक को बाईपास कर रहा है और आपको खौफ दिला रहा है कि आपके साथ ये हो सकता है ताकि आप उसका टूथपेस्ट खरीद लें, जबकि हकीकत में लाजमी नहीं है कि ऐसा हो क्योंकि और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी डेंटल हेल्थ बेहतर रह सकती है और भी टूथपेस्ट हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने डेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी आप आने वाले आउटकम्स की पेशन गोई कर लेंगे कि आपके साथ इस तरह के छोटे छोटे नेगेटिव या इररेलीवेंट आउटकम्स आपके साथ पेश आ सकते हैं तो आप स्लिपरी स्लोप फैलेसी कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है।